इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। चंद सालों से जब से ये फिरकावराना जमात हिंदुस्तान में आई है, और हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे फिरकावराना जमात को अधिकार मिला मुल्क की सालमियत, मुल्क की एकता, गंगा जमनी तहरीक को मट्टी में मिलाने की ये लोग भरपूर कोशिश करते आए हैं। पहले तो इंसानी एतबार से मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती, उसके साथ साथ मज़हब इस्लाम पर नुक्ताचीनी, मज़हब इस्लाम के बुज़ुर्गों अवलिया इकराम सूफिया इज़्ज़ाम के ख़िलाफ़ बातें। हाल ही में 3-4 महीने पहले कोरोना वायरस आने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन अवलिया को उन्होंने निशाना बनाया, और हाल ही में एक एंकर अमीश न्यूज़ 18 का इसके बारे में कितने भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो बहुत कम होगा। ऐसे लोग हज़रत गरीब नवाज के बारे में जिसने ज़ुबान खोली है उसे मालूम नहीं है कि इसकी ज़ुबान कब किस वक्त बंद होगी। अब इसी तरह हमारे मुल्क में जालिम लोग जो जुल्म कर रहे हैं अलग अलग तरीक़े से, अब ये कमबख्त बुजदिल हुजूर का नाम लेकर, हज़रत गरीबन नवाज का नाम लेकर जो बात कही है, मैं पुरजोर इसके मजम्मत करता हूं, और हम सब मिलकर के इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ इसे वार्निंग देना चाहिए कि, और इसे अखलाकी तौर पर कानूनी तौर पर इसका बायकॉट करना चाहिए, और इसे चाहे सूबाई सरकार हो या मरकजी हुकूमत हो, ऐसे लोगों की ज़ुबान बंद करना हमारी उनसे अपील है। और जो मुकदमात दायर किए गए हैं इनको कानूनी तौर पर सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इस तरह के हरकतें ना करें। इसलिए मैं हुबली में तमाम हमारे मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई ऐसा किसी भी धर्म गुरु को के बारे में ज़ुबान दराज़ी करता है तो उसकी भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब सिखाता है कि दूसरे मज़हब के गुरुओं की इज़्ज़त करो। लकुम दीन अकुम वलिय दीन, मेरा दीन मेरे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। इसलिए हमारा मुल्क एक मिसाली मुल्क है, हज़ारों साल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, बसते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इसलिए इस तहजीब व तमद्दुन को बचाना ज़रूरी है, और जो हरकतें हो रही हैं इस मुल्क में उसे रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे सूबाई हो चाहे मरकजी हुकूमत हो। इसलिए मैं इतना इस वक्त पर अपील करता हूँ, उस नालायक को जानना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन जैसा ये बात कही थी उस ज़माने में 200 साल पहले कि हिंदुस्तान में कोई हुकूमत कर रहा है तो एक मज़ार शरीफ हुकूमत कर रही है। इसलिए वहाँ पर आज भी जाकर देखें अपने माथे के आँखों से, बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत लोग हुजूर के दरबार में हाजिर होते हैं, दुआएं मांगते हैं, उनकी दुआएं कबूल की जाती हैं, वहाँ पर किसी को रोका नहीं जाता, तमाम मज़ाहिब के लोग, धर्म के लोग आ कर के, और सियासी एतबार से तमाम पार्टी के लोग उर्स के मौके पर हज़रत के दरबार में अपनी चादर पेश करते हैं, अपनी गुजारिश पेश करते हैं, दुआएँ मांगते हैं। ये एक मिसाली दरगाह शरीफ हिंदुस्तान में है,
उस जमाने में जहां पर जुबान किस कैसी थी किसकी थी मालूम नहीं था, हुजूर तशरीफ लाए और इस मुल्क में सही रहनुमाई की, दुआएं दी और मुल्क को तरक्की दिलाने की कोशिश की। आज सब लोग मानते हैं लेकिन ऐसे जाहिल भी हैं यहाँ पर इस मुल्क में, इन 10 सालों में बहुत ही जुबान दराजी करने लगे हैं, इनको रोक टोक जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत जमात अहले सुन्नत जनरल सेक्रेटरी के हमारे जुमला उलमा और मशायख अहले सुन्नत की जानिब से जिस शख्स ने हिंदुस्तानी के नहीं आलम इंसानियत के अजीम सूफ़ी चिश्तिया सिलसिले के हिंदुस्तान में बानी हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उनकी शान में जिस एंकर ने गुस्ताखी और बेअदबी की है, हम तमाम के दिल मगमूम हैं, बल्कि हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं के दिल भी मगमूम हैं, क्योंकि सूफिया इकराम के आस्ताने बिलखसूस हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना दुनिया जानती है बिला तफरीक मजहब व मिल्लत विदाउट एनी डिस्टिंक्शन विदाउट एनी डिफरेंस सबको वेलकम करती है और सबको फैज़ बांटती है। ऐसा वो आलमी शोहरत याफ्ता आस्ताना जो 850 साल से कमोबेश भाईचारा और प्यारो मोहब्बत अमन उखुवत हिंदुस्तान में बांट रहा है। आज उस आस्ताने के हवाले से जिस शख्स ने यह बेअदबी की है वो काबिल मजम्मत है, हम सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से अपील और गुजारिश करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करे और इस तरह की जितनी भी ताकतें हैं उनको रोकने की कोशिश करे, इसलिए कि सारी दुनिया आज कोरोना वायरस की वजह से सख्त परेशान है। सारे लोग बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर मजहब के लोग अपनी अपनी इबादत गाहों में अपने अपने ढंग से अपने मजहब के मुताबिक दुआ कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसा मर्ज़ ख़त्म हो जाए। आज मोहब्बत की ज़रूरत है, मिलजुल कर सबको काम करने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में वो अनासिर जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान तफरीक पैदा करते हैं हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। मैं अपने तमाम सेकुलर भाई हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि वो आस्ताना जो सबको इंसानियत मोहब्बत का दर्स देता है उस आस्ताने के हवाले से इसने ये नाज़ेबा कलिमात कहे हैं, हमें वो दोहराने में भी शर्म आ रही है बल्कि तकलीफ़ हो रही है। मैं गुजारिश करता हूं कि उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। हम सबको मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से इस देश में रहना। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।